सब आज देश के कई सभी हिस्सों से लगभग कहा जाए तो किसानों का एक हुजूम दिल्ली पहुंचा हुआ है, जिसके किसान के नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो इसको लीड कर रहे हैं और लेफ्ट के भी बैनर इसमें देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपने प्रदर्शन करने का, लेकिन मैं किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 70 साल की कांग्रेस या और पार्टियों की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी बजी जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं और सांसद से भदोही से सांसद भी हैं, उनकी किसान नेताओं को खुली चुनौती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेरे से आकर मिले कि कौन सा किसान का क्षेत्र है जो जहां पे मोदी जी की सरकार में 4 साल के अंदर सबके प्रयास मतलब प्राइस ना बढ़े हों, सभी जो फसल के दाम ना मिले हों, सरकार कार्ड हो, फसल बीमा हो, मतलब कौन सी कमी रह गई है जो किसान लोग ये बता दें। लेकिन विपक्ष के जो किसान हैं इनकी सबकी मानसिकता है कि सरकार के खिलाफ भोले भाले किसानों को बहका के धरना प्रदर्शन करना, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, और पिछली 70 साल का उठा के इतिहास देखें कि 70 साल में किसानों के लिए कौन सी सरकार ने इतना जितना मोदी जी की सरकार ने काम करा, कौन सी सरकार ने काम करा। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि कोई भी इन लोगों के बहकावे में ना आए।